दिख रही जी है? जी सर। यस सर। आज का टॉपिक है प्योरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। आप लोग में से कोई बताना चाहते हैं प्योरिटी ऑफ थॉट क्या है, विचारों की पवित्रता क्या है? अभी जो बीच बीच में स्टूडेंट आ रहे हैं ना, उससे दिक्कत ये हो रही है कि आज मोबाइल में मेरा चल नहीं रहा है, अपने DSCV का जो ऑफिशियल लॉगिन है वो कई बार वो मोबाइल में नहीं चल रहा है, तो वो मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ। और यहाँ ये है कि जब हम स्क्रीन को देखते हैं तब कौन नए आ रहे हैं वो दिखता नहीं है, आवाज़ तो आती है पर तो ये बार बार फिर वहाँ स्क्रीन चेंज करके वहाँ एडमिट करना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में हम ज्वाइन ना करें, शुरू में ही ज्वाइन कर लें। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पर देख दें कि ये एरर आ रही है। चलो, विचारों की पवित्रता। इसमें दो प्रकार का है, एक तो विचारों की पवित्रता और दूसरा है आचरण या कर्म की पवित्रता। तो अब हम यहाँ गुरुदेव का पहले तो कोट करेंगे, जहाँ कोई गुरुदेव के साहित्य में कुछ होगा तो फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले पवित्रता का, पवित्रता विचारों की पवित्रता क्या है, महत्व तो बाद में बात करेंगे, पहले तो विचारों की पवित्रता क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा जो गुरुदेव के वर्णन में दिया है, पर सिंपल भाषा में कहें तो कि हम गंदे विचार ना करें या गंदे विचारों से बचने का प्रयास करें, विचारों की पवित्रता। अब गंदे विचार मतलब काम वासना के विचार, किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार, या आलस्य के, प्रमाद के विचार, इस तरह के जो भी अपवित्र विचार है वो हमारे मन में ना आने पाए, तो उसका क्या महत्व है वो बताया है यहाँ। पवित्रता मानव जीवन की सार्थकता के लिए अनिवार्य है। मनुष्य का विकास और उत्थान केवल ज्ञान अथवा भक्ति की बातों से नहीं हो सकता, उसे व्यवहारिक रूप से भी अपनी उच्चता और श्रेष्ठता का प्रमाण देना आवश्यक है, और इसका प्रधान साधन पवित्रता ही है। जो व्यक्ति गंदे वातावरण में रहता है अथवा गंदे विचार प्रकट करता है, उसके पास जाने या ठहरने की किसी को रुचि नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से सभी घृणा करते हैं, और किसी अनिवार्य कारणवश उसके निकट जाना भी पड़े तो जल्दी से वहां से हट जाना चाहते हैं। अब हम लोग देखें अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो जिनके बारे में हम जानते हैं कि इस आदमी के विचार बहुत ही गंदे हैं, उस तरह की बात वो करता है, गंदी बातें बहुत ज्यादा करता है, या जो अपवित्र रहता है, गंदगी में रहता है, या गालियां बहुत ज्यादा बोलता है, तो इस तरह की जो भी जिसके वाणी में और जिसके आचरण में अपवित्रता होगी उसके बारे में कहा जाता है कि उससे लोग दूर रहना चाहते हैं। साधारण रूप से उनके जैसे ही लोग होंगे तो दोनों की अच्छी जमेगी, पर जो लोग पवित्र विचार करना चाहते हैं, जैसे आज से ये नवरात्र शुरू हो रही है, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें 9 दिन पवित्र विचार करने चाहिए, पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, तो वो लोग ऐसे लोगों से एटलीस्ट नवरात्र में दूर रहेंगे कि भाई अभी कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। तो पवित्रता का महत्व ये है कि सामाजिक रूप से अगर आपको जो संगठित शक्ति कहते हैं, लोगों के साथ आपको मिलकर काम करना है, लोगों का आपको सहयोग चाहिए, तो आपको पवित्र बने रहना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी आप छुपाओ, भले ही हमारे विचारों का पता हमें ही चलता है, पर कहीं ना कहीं वो व्यक्त हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी अपवित्रता है वो व्यक्त हो जाती है। तो इसलिए
विचारों को पवित्र रखने की बात करी गई है। विचारों में शुद्धता न होने से क्या होगा? इसमें गुरुदेव कहते हैं, आचार विचार की पवित्रता ने यद्यपि आजकल ढोंग का रूप धारण कर लिया है और इस कारण अनेक आधुनिक विचारों के व्यक्ति उसे अनावश्यक समझने लगे हैं, पर वास्तव में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का संबंध आचार विचार की पवित्रता से है। खान पान में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान न रखने से केवल हमारा स्वास्थ्य ही खराब नहीं होता, वरन हमारा मानसिक संयम भी नष्ट हो जाता है और हमको कटोरेपन की हानिकारक आदत लग जाती है। इसी प्रकार विचारों में शुद्धता का ख्याल न रखने से काम, क्रोध, लोभ आदि की हानिकारक भावनाएं बढ़ती है। तो यहाँ पर ये आज के विषय में कहा गया है कि पहले ही ढोंग आजकल ज्यादा बढ़ गया है, अंदर से अपवित्र विचार है, एकांत में अपवित्र विचार है, सबके बीच में बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही सब चले जाते हैं तुरंत इंटरनेट चालू हो जाता है, गंदी चीजें देखते हैं, गंदे विचार आते हैं, है ना। तो इस तरह का आजकल ढोंग ज्यादा हो गया है ना। तो गीता में भी लिखा है कि जो व्यक्ति बाहर से तो केवल अच्छा रहने का ढोंग करता है, पर अंदर से अगर वो पवित्र नहीं है तो वो पाखंडी है, वो अपने आप से छल कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। वो भौतिक जगत में तो बहुत प्रगति कर सकता है पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करें? तो खान पान में शुद्धता, खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी कही गई है। जितना भी तामसिक भोजन है वो ना खाएं, और तामसिक से भी महत्वपूर्ण है बासी और ये जो सब हम जंक फूड फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं, उसके कारण भी आपके ना चाहते हुए भी कई बार आपके विचारों में अपवित्रता आने लग जाती है। उसके पीछे का क्या साइंस है वो उसको साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल है, पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाए हम वैसा हो मन। उस तरह की बासी गंदी चीजें, सड़ी हुई चीजें अगर हम खाते हैं, बहुत पुरानी चीजें हम सब खाते हैं, तो उन सबका मन पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो इसके कारण हमारे विचारों में अपवित्रता आती है। विचारों में अपवित्रता आती है तो वो हमारे कर्मों में भी अपवित्रता आने लगती है, हमें ऐसे कर्म करने का मन होने लग जाता है। तो विचारों की शुद्धता का ख्याल नहीं रखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ आदि की हानिकारक भावनाएं बढ़ती है। ये क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस पर हमारा बिल्कुल काबू नहीं है। फिर क्या है, बाहरी रूप से हमने ढोंग करके रखा हुआ है कि हम बहुत ही शांत है, हम बहुत ही पवित्र है, लेकिन अंदर ही अंदर सब गंदगी चलती रहती है। तो क्या होता है कि अगर हम अंदर का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाहर ज्यादा समय तक नहीं टिका रहेगा, वो बाहर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह वो सब आने लग जाएगा, आपके कर्मों में भी आने लग जाएगा। इसलिए अपनी पवित्रता पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये नवरात्र पवित्रता का ही पूरा 9 दिवस इसी के लिए है कि हमारे अंदर की पवित्रता बढ़े। तो इसके लिए हम जितना भी कर सकें जप तप ध्यान वो सब करना चाहिए। यहाँ तक किया है गुरुदेव ने, यहाँ तक बता दिया है अखंड ज्योति 1941 नवम्बर में कि धर्म का सार पवित्रता है और कुछ है ही नहीं धर्म। अपने विचारों को पवित्र रखो, धर्म का समस्त तत्व इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है। अन्य अन्य विधान तो धर्म की भूमिका और शब्दांबर मात्र है। क्रोध, कटु भाषण, ईर्ष्या और लोभ से बचना यही तो धर्म प्राप्ति का मार्ग है। सदैव शुभ कर्म करने में प्रवृत्त रहो, परोपकार को कार्यों में पूरी शक्ति और पूरा उत्साह लगाना यही तो कर्तव्य है। नेकी से बढ़कर न तो कोई धर्म है और न बदी से बढ़कर कोई पाप। यह मत पूछो कि धर्म से क्या लाभ है, जिज्ञासुओं धर्म से उत्पन्न होने वाला सुख ही सच्चा सुख है, अन्य सुख तो विडंबना मात्र है। यदि तुम एक क्षण भी व्यर्थ खोए बिना जीवन भर नेक काम करते रहते हो, निश्चय ही एक दिन जन्म मरण की फंसी से छूट जाओगे। धर्म के पथ पर आरूढ़ होने में एक पल का भी विलंब मत लगाओ, आज से ही सेवा मार्ग को अपना लो। ऐसा न हो कि कल करूंगा सोचते सोचते मृत्यु तुम्हारा गला दबा ले और जन्म जन्मांतरों तक साथ रहने वाले धर्म रूपी अमर मित्र को प्राप्त करने से हम वंचित रह जाए। हम बहुत सारा कुछ प्लानिंग करते हैं, अपना करियर से संबंधित अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मकान, गाड़ी, सबके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, पर कहा गया है कि जीवन में सबसे ज्यादा अगर प्रयत्न करना चाहिए तो अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने आप को
आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो कर लिया तो बाकी सारी चीजें गौण है, और बाकी सारी चीजें आएगी तो भी आप उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, और नहीं आएगी तो उसका आपको अभाव महसूस नहीं होगा। तो इसलिए भौतिक प्रगति से ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए, और आध्यात्मिक प्रगति धार्मिक प्रगति का एक ही सार है, पवित्रता, जितना हम पवित्र ज्यादा हो सके। दूसरा है कर्मों की पवित्रता, तो उसमें 1953 की असेंबली में अंग्रेजों ने लिखा है, शुभ कर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। इस मित्र की सहायता से वह सांसारिक तथा पारलौकिक सुख संपत्तियों को प्राप्त करता है। इसके विपरीत अशुभ कर्म से बढ़कर मनुष्य का कोई शत्रु नहीं, जो कुविचारों और कुकर्मों में लिप्त रहेगा उसे सदा सर्वत्र अशांति, पीड़ा एवं दुर्गति ही मिलेगी। शुभ कर्म, शुभ कर्म है ना। आदि शंकराचार्य तो कहते हैं कि जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीवन जी रहा है, बाकी सब भटक रहे हैं। बार 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 जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, क्योंकि क्या है कि पता ही नहीं है जीवन में करना क्या है। तो मुख्य काम करना है परोपकार, पवित्र कर्म, अच्छे कर्म। विचार आचरण सुधरते बिगड़ते कैसे हैं, कि हमारे जो विचार है वो क्यों बिगड़ने लग जाते हैं। बचपन कहते हैं कि मासूम होते हैं बच्चे और उनके अंदर पवित्रता होती है, हालांकि अपने शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जन्मों जन्म के जो कुसंस्कार और अच्छे संस्कार, दोनों संस्कार, कुसंस्कार और कुसंस्कार दोनों है, वो बचपन से ही दिखने लग जाते हैं, तो उसका असर होता है। पर फिर भी इतना ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे एकदम शुद्ध है, बच्चे हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। पर वो धीरे धीरे बिगड़ते कैसे हैं, तो सबसे पहली बात बताई गई है संगत, कंपनी। खराब कंपनी में रहने से अच्छा है अकेले रहें। तो ये जो अपने दोस्त हैं, सहेलियां हैं, वो सब अब बिगाड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और हमें सुधारने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो संगत, संगत के बारे में हम सोचें कि हमारी संगत तो कहीं खराब नहीं है, और अच्छी संगत पाने के लिए हम क्या करें। दूसरा है खान पान, जो हम लोगों ने चर्चा की, फूड हैबिट। नवरात्र में कुछ लोग नियम लेते हैं कि भाई हम किस तरह का खाना नहीं खाएंगे, तो वो एक संयम की बात है, इससे अपने मन पर संयम बढ़ता है, विचारों में पवित्रता आती है। तीसरा है इंद्रियों से। खान पान का यहाँ मतलब ये किया है, ऐसा कहा गया है कि आहार शुद्धि होने से सत्व सिद्धि यानी कि मन की सिद्धि होती है। तो वहाँ आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि आहार मतलब केवल जो हम खाना खाते हैं वही नहीं, हमारे इंद्रियों का आहार वो भी महत्वपूर्ण है। अगर हम खाना सात्विक खाएंगे लेकिन हमारे आंखों का हम दुरुपयोग करेंगे, हम अश्लील साहित्य पढ़ेंगे, पोर्न साइट देखेंगे, वो सब चीजें अगर हमारे मन में अगर आती रहेगी, हम अपवित्र विचारों को डालते रहेंगे तो उससे भी नुकसान होगा ही होगा। तो जो पांचों इंद्रियां हैं उसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं, अपवित्र सुनते हैं, अपवित्र बोलते हैं, अपवित्र चीजों को स्पर्श करते हैं, इस तरह की चीजें जितना भी हम अपवित्र हमारे आचरण में आता है उससे भी हमारे विचार अपवित्र बनते हैं। अपवित्र विचारों से अपवित्र आचरण, और अपवित्र आचरण से अपवित्र विचार, इसी तरह से पवित्र विचारों से पवित्र आचरण, और पवित्र आचरण से पवित्र विचार, ये पूरा सर्कल चलता रहता है। आसपास के वातावरण से, हमारा जो एम्बियंस है, आसपास का जो वातावरण है उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। अच्छे वातावरण में जिनके अपवित्र विचार हैं वो भी धीरे धीरे पवित्र होने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तीर्थाटन की बात की जाती है कि तीर्थ में जाना चाहिए, वहाँ पवित्र विचार आपको आएंगे। हालांकि आजकल का तीर्थ का स्वरूप थोड़ा बदल गया है, तो जैसे शांति कुंज का कहा जाता है कि वहां जाने से आपके विचार पवित्र होने लग जाते हैं, तो वातावरण को भी कई बार बदलना पड़ता है। गलत जगह रह रहे हैं तो ऐसी जगह को छोड़ना ही अच्छा है। योग में भी कहा गया है कि सुरम्य देश अच्छा हो, जहाँ जहाँ पर सुसभ्य लोग रहते हो, अच्छे लोग रहते हो, वहां रहना चाहिए। विचारों को, कर्मों को कैसे पवित्र बनाएं, अब ये लास्ट अपनी स्लाइड है, इसके बाद फिर आप लोगों को अपना अनुभव बताना है।
पहला अपना मूल्यांकन करें, सबसे महत्वपूर्ण है अपना मूल्यांकन करें कि वास्तव में जो सिर्फ हम लोग जानते हैं वो ये है कि हमारे विचार कैसे हैं। दूसरे लोगों को हो सकता है आपका बाहरी जो स्वरूप दिखता हो कि भाई व्यक्ति बहुत पवित्र है या अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि आपने कभी गंदी गाली नहीं बोली है, कभी आपने ऐसा गंदा आचरण नहीं किया है, तो लोगों को नहीं पता चलेगा, पर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता होगा। तो अपना सही सही मूल्यांकन करें कि वास्तव में हम अंदर बाहर से पवित्र हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इसके लिए हम क्या करें? अपवित्र विचारों कर्मों के लिए ईश्वर से अन्य से क्षमा मांगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो तो भविष्य में ना हो उसके लिए हम क्षमा मांगे, और जो हो चुका है उसके लिए भी हम क्षमा मांगे। भविष्य में ना हो उसके लिए हम प्रार्थना करें, और जो हमसे गलतियां हो चुकी है उसके लिए क्षमा मांगे। तो किसी भी मनुष्य है, गलती का बुतला देते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आदमी को एक भी अपवित्र विचार ना आए, एक भी गंदा विचार ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम प्रायश्चित नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आ गया गंदा विचार, कोई बात नहीं, अब उसको दोबारा ना आए उसके लिए हमारे मन को और ज्यादा मजबूत करना है। दूसरी सारी चीजें जो है वो गौण है। अगर मन खराब हो रहा है तो मन को सुधारना सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। तो क्षमा मांगे, किसी के प्रति हमने अगर गंदी नजर से देखा है, किसी हमारा आचरण गंदा हो गया है, हमने किसी को काम क्रोध लोभ मोह के कारण हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो उनसे क्षमा मांग ले हम। और अगर नहीं मांग सकते हो, इतनी हिम्मत नहीं है, तो मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगे कि भाई हमने ये गंदा आचरण किया, हमने अपवित्र विचार किया। तीसरा है विचारों को कर्मों को पवित्र बनाने के लिए नियमित रूप से सात्विक कर्मों में संलग्न रहे। सात्विक कर्म है वो सत्व गुण को बढ़ाता है। सत्व गुण अगर बढ़ता है तो रज और तम अपने आप कम होने लग जाते हैं। तो सात्विक प्रवृत्तियां करें जिससे आपको एहसास भी हो कि हाँ मेरे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं। जैसे स्वाध्याय है, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको उस तरह के विचार आएंगे, और गंदा साहित्य पढ़ेंगे, अश्लील किताबें पढ़ेंगे तो उस तरह का विचार आएंगे। जप करें, जप है ना, जप आप सिद्धि में करें, मन का जो प्राण करे वो मंत्र है। बार बार हम मंत्र को जपते रहते हैं तो क्या है, एक तो दूसरे विचारों के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रहता है, और बार बार जप करने से हम उस प्रकार के गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं, और धीरे 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 हमारे अंदर वो गुण आने लगते हैं। ध्यान है, ध्यान भी वही है कि जिससे आप अपने अंदर पवित्र विचारों को धारण करने के लिए अपनी मन स्थिति को बना सकते हो, मन को शांत कर सकते हो, ताकि काम क्रोध लोभ मोह के जाल में ना फंसे, हमारा मन शांत रहे, स्थिर रहे। अनावश्यक एकांत को टाले। यह भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है कि युवा अवस्था में क्या होता है कि हम एकांत जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आजकल क्या है, मोबाइल में सब कुछ आप देख सकते हो, कहीं भी कोने में लोग बैठ जाते हैं, क्या देखते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो एकांत को टालो, समाज के साथ रहे हम जहाँ तक हो सके। अगर कुछ काम कर रहे हो महत्वपूर्ण है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तब तो आप अकेले बैठो तो कोई गलत नहीं है। तो फिजूल का अकेले देखने का जो आदत है वो बहुत खराब है। थोड़ा सा हमने सिर्फ सोशल मीडिया पर देख लिया, थोड़ा सा पता चल गया क्या क्या चल रहा है, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे सगे संबंधी जी क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ दिया तो कोई गलत बात नहीं। दिन भर जो मोबाइल की आदत है ना, वो धीरे धीरे आपको गंदी चीजों तक ले जाएगी, क्योंकि उसी मोबाइल में सब कुछ है, अच्छी चीजें भी है, खराब चीजें भी है। तो इससे अच्छा है कि ऐसी चीजों को पकड़े जिसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। जैसे आध्यात्मिक पुस्तक, उस पुस्तक को आप 1 घंटा पढ़ोगे तो वो उस पुस्तक में गंदा कुछ नहीं लिखा है ना। जबकि मोबाइल में अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। आपका मन जैसे ही एकांत मिलेगा, कोई नहीं होगा आसपास में, उस तरफ जा सकता है। तो एकांत को टालें। दूसरा, एकांत में विशेष ध्यान ये रखें कि एकांत बहुत ही खतरनाक है। एकांत में हम लोग गड़बड़ियां कर जाते हैं। समाज में हम थोड़े व्यवस्थित रहते हैं, थोड़े सभ्य रहते हैं, तो एकांत में हम क्या विशेष ध्यान रखें कि अगर कभी कभी ये हुआ कि एकांत हुआ, जैसे क्या है कि
यंग लड़के लड़कियों को कभी एकांत मिल जाता है, न चाहते हुए भी कभी एकांत में रहते हैं। हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि माता बहनें उनके साथ भी यंग एज में साथ में अकेले नहीं रहना चाहिए, सबके साथ रहें वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो एकांत में ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अब एकांत आया है इसका मतलब है मेरा मन गड़बड़ा सकता है, तो क्या करें, पहले से ही उसके लिए योजना बना लें, पुस्तकें अच्छी रखें अपने पास प्राणायाम वगैरह करते रहें, जप करते रहें, मन ही मन मानसिक जप करते रहें कि भाई मेरे मन को मुझे संभालना है, मेरे मन को गड़बड़ाने नहीं देना है। ये अगर प्रिकॉशन रखेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, कोई एकांत के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, इसलिए एकांत में विशेष ध्यान रखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने विचारों की चरणों की पवित्रता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी है। अब आप लोगों की बारी है, कोई जिज्ञासा हो, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। हाँ प्रणाम सर, एक ये क्वेरी थी सर, रिक्वेस्ट भी थी कि एक बार मीटिंग लिंक सर फिर से वो ग्रुप में डाल देते ना सर, क्योंकि आपने जब मीटिंग में मीटिंग लिंक डाला था तो उस समय हम ग्रुप में थे नहीं, और बाद में जुड़े तो वो लिंक उस ग्रुप में मिलती नहीं, तो फिर सबसे मांगना पड़ता था, तो एक बार फिर से आप डाल देते वो मीटिंग वाला लिंक ग्रुप में तो सही रहता। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली है क्या, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में? सर मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया सर डिस्क्रिप्शन में, मुझे लगा सर चैट बॉक्स में ही होगी कहीं ना कहीं। नहीं नहीं क्योंकि चैट बॉक्स में तो क्या है, 7 दिन बाद या तो वो तो डिलीट हो जाता है और या फिर दूसरी सब चीजें आती रहती हैं, तो वहाँ रखने का तो कोई फायदा नहीं है। एक तो हमने गूगल क्लासरूम बनाया है, उसमें भी मीटिंग की लिंक रखी ही होगी। आप लोगों ने गूगल क्लासरूम में अगर ज्वाइन किया हो ना तो उसमें रखी होगी, और मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में देख लेता हूँ। व्हाट्सएप के ग्रुप में तो व्हाट्सएप का ही केवल चैट रखी है, उसमें डिस्क्रिप्शन में गूगल मीट का तो नहीं है, पर गूगल क्लासरूम में होगा। ऐसा करेंगे ना, ये जो अपना व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन है उसमें हम गूगल क्लासरूम की लिंक रख देंगे, तो उसमें आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, गूगल मीट की लिंक भी मिल जाएगी, है ना? जी धन्यवाद सर। और कोई बात? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, ये ध्यान और जप में क्या अंतर है सर? हल्का सा ये समझ में नहीं आ रहा सर। चलो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ध्यान की जो एक विधि है कि पहले तो ये 8 जो स्टेप है वो हमारा यम नियम से शुरू होकर के आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, तो इस तरह से अष्टांग योग के अनुसार वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ध्यान के लिए क्या है कि पहले तो धारणा किसी विषय पर करनी होती है या किसी बिंदु पर हम फोकस करते हैं ना, जैसे त्राटक करते हैं मोमबत्ती से, या किसी एक बिंदु को देखते हैं बिंदु ध्यान करते हैं, किसी प्रतिमा को देखते हैं तो प्रतिमा का ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पर हम फोकस करते हैं तो उसका ध्यान करते हैं। तो वहां पर क्या है, एक एकाग्र करने का एक अभ्यास है ना, सिर्फ एकाग्रता नहीं है ध्यान पर, एकाग्र करने का एक अभ्यास है। धीरे 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 ध्यान अपने आप लग जाता है। ध्यान लगने का क्या मतलब है कि आपको सतत लगातार देखते नहीं रहना है कि ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस आपको तो फोकस करने का प्रयास करना है कि जो एक बिंदु है उसको हम देखते रहें और जो भी विचार आ रहे हैं उसको प्रयास करें कि उस विचारों को हम अपने मन को उससे हटाने का प्रयास करें, बस दो ही चीजें करनी है। तो धीरे 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 ऐसा भी समय आएगा कि जिसमें आपको बहुत सारे जो विचार आ रहे हैं वो कम होते जाएंगे, या पर्टिकुलर एक दिशा में अच्छे विचार आने लग जाएंगे, तो समझो कि धीरे धीरे आपका ध्यान लग जाए।
ज्ञान योग में आप बैठे हो, 15 मिनट का टाइम अगर आपको तुरंत निकल जाता है, इसका मतलब बीच में कहीं ध्यान लग गया होगा। पर कभी कभी अगर 15 मिनट आपको आधे घंटे पौने घंटे बहुत लंबा समय लग जाता है कि अभी भी ज्ञान योग खत्म नहीं हुआ है, नदी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा अगर मन में विचलन होने लगता है, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं लग रहा है। तो वो एक ही तरह से फोकस करने की प्रक्रिया है। जप में क्या है कि जप में आपको एक ही मंत्र को बार बार दोहराना है, ध्यान में कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मंत्र ध्यान भी होता है, पर वो दोनों एक ही हो जाएगा फिर। पर मंत्र जिसको हम जप कहते हैं, उसमें क्या है, एक ही मंत्र को बार बार दोहराता है। तो वहां क्या है कि आपको स्कोप नहीं है, एक ही चीज को बार बार दोहराने के कारण क्या है, मन को कहीं ना कहीं हमने लगा दिया है। तो कई बार ये लोगों ने देखा है कि ध्यान से जप है वो ज्यादा ईजी रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, एक ही चीज को हमें बार बार दोहराना है। मन को फोकस करने का प्रयास करने जाते हैं तो बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, कुछ लोगों के सिर में दर्द होने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर नहीं ध्यान कर पाते हो तो जप करो। हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का प्रयास करना चाहिए, दोनों चीजें आपके लिए फायदेमंद है। तो इतना अंतर है कि एक में एक ही चीज को बार बार आपने रिपीट किया और एक जगह पर आपने फोकस किया, इतना फर्क हम कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से। और तो फिलोसॉफिकली और देखा जाए तो थियोरिटिकली तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर ये एक साधारण सा मैंने प्रयास किया है। क्लियर है? जी सर, धन्यवाद सर। सर, हाँ बोलो। जप से ध्यान में सहायता मिल सकता है क्या? डेफिनेटली मिल सकती है। आप बिना जप किए ध्यान करते हो, कुछ लोग क्या कहते हैं, आप इंटरनेट पे देखोगे ना तो इस तरह के आपको वीडियोस दिखेंगे कि आप ध्यान करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई जप मत करो, कोई मंत्र मत करो। तो इसका कारण ये है कि वहाँ अलग प्रकार की एक टेक्निक यूज की जाती है, कि कोशिश किया जाता है कि मन को एकदम शांत रखा जाए, जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, देखा जाए, एक स्थिर स्थिति में रहकर देखा जाए केवल कि क्या चल रहा है। पर मंत्र अगर हम पहले प्रयास करते हैं, जैसे नवरात्र में मैंने कई बार देखा है कि अगर शुरुआत में तो पहले एक माला भी नहीं होती थी, तो धीरे 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 मन लगने लग गया तो 9 मालाएं करने लगे, फिर 27 मालाएं करने लगे। तो 27 मालाएं करने के बाद कई बार जो होता है ना, मन ही नहीं करता कुछ बोलने का, फालतू चीजों में कहीं कोई मोबाइल को सर्च करने का, सोशल मीडिया में देखने का, वो सब मन ही नहीं करता है। आपका मन करता है ध्यान करने का, क्या करें, बैठे हैं, फोकस किए हैं, किसी भगवान का चित्र आपके सामने आ रहा है, आप इसको देख रहे हैं, इस तरह से आपका मन जो है वो ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा ही मैंने प्राणायाम का भी देखा है, बहुत ज्यादा प्राणायाम अच्छे से कर लेते हैं, कम से कम 15-20 मिनट कपालभाति इस तरह से व्यवस्थित रूप से, या कई बार भस्त्रिका से भी आपको बहुत अच्छी एकाग्रता आ जाती है। उसके बाद जब ध्यान करते हैं तो वो ध्यान आपको आसानी से लग जाता है, या विचार कम आते हैं, एकदम विचार बंद होना, एकदम वो समाधि की स्थिति हो जाती है। वो स्थिति का अनुभव करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं समाधि को। तो बिना विचारों की स्थिति का कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि विचार तो आ ही रहे हैं, आने दो, कब बंद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, या कम से कम कब वो कम हो जाएंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जब से डेफिनेटली ध्यान में फायदा होता है। सर, हाँ जप करते समय मन ही मन जप करना चाहिए या तो फिर कुछ आवाज में, हल्का आवाज में, उचित कौन होता है सर? तीन प्रकार के हैं जब, इसमें एक से जो थोड़ा जोर से चिल्ला के बोलते हैं, या जो आसपास में भी लोगों को सुनाई दे इस तरह से बोलते हैं, दूसरा जो मन में है किसी को नहीं सुनाई देता है। दोनों से अच्छा ये माना गया है उपांशु जप, मानसिक जप, वाचिक जप और उपांशु जप। तो मानसिक जप और वाचिक जप से उपांशु जप को अच्छा माना गया कि एकदम धीरे धीरे आपके होठ केवल फड़फड़ा रहे हैं, किसी और को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम सिर्फ मन में ही नहीं है, थोड़ा सा बहुत पत्थर आ रहे हैं, उपांशु जप कहा गया है। इसको अच्छा माना गया है। क्यों अच्छा माना गया है कि मन ही मन हम है ना, कई बार ये हो जाता है कि मंत्र जप करते 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 कहीं और मन जाने का आसानी से वो चला जाता है। और वाचिक जप में क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं तो उससे किसी और को भी उससे नुकसान हो सकता है। अगर अगल बगल में कोई नहीं है तब तो वाचिक जप भी अच्छा है, तो किसी और को हम डिस्टर्ब ना करें इसलिए वाचिक जप अच्छा नहीं माना जाता है। जब किसी
आसपास में लोग हैं। उपांत जोग में मैं तो डिस्टर्ब भी होता है और मन ही मन हम दूसरी जगह चले जाए ऐसी भी संभावना थोड़ी कम रहती है, तो उपांत जोग सबसे अच्छा माना जाता है। जी सर जी। और किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ बताना है अपनी कोई अनुभूति जी सर, विचार? प्रणाम सर। हाँ प्रवीण बोलो। सर हमको ये जानना था सर कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं सर उसको तो बदल नहीं सकते हैं, तो उस परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में कई बार जो होता है ना कि आपको जो सोचते हैं तो आपको ऐसा मौका भी मिलता है कि जहाँ वातावरण बदलने का कोई आपके पास मौका हो तब वातावरण बदलना चाहिए। जैसे क्या है कि या तो जन्म और जन्म के संस्कार होंगे या जो भी होगा, लेकिन मैंने देखा कि मैं जब यहाँ पढ़ाई करने आया उससे पहले दुबई में जॉब कर रहा था, तो वैसे तो बहुत स्वच्छता और समृद्धि बहुत अच्छी चीजें थी, कोई समस्या नहीं थी, लोग वहाँ अपने दुकानों में ताला भी नहीं मारते थे, वहाँ चोरी का भय नहीं था क्योंकि सिक्योरिटी पुलिस की सब सर्विस अच्छी थी। फिर भी कुछ कमी लग रही थी कि आध्यात्मिकता का कुछ कमी लग रही थी, हिंदुत्व का वहाँ कोई ज्यादा इतना महत्व नहीं था, इस्लाम भी सब जगह दिख रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ कमी है और मास्टर डिग्री भी मुझे करनी थी। तो यहाँ मैंने इस वातावरण के बारे में पढ़ा, शक्तिपीठ में उसके पोस्टर लगे थे देश संस्कृत विश्वविद्यालय के, तो तुरंत निर्णय ले लिया कि भाई ये वातावरण बदलने का बहुत अच्छा तरीका है। दुबई में भी खराब नहीं था, मैं जहाँ रहता था गुजरात में मोती प्लेस में वहाँ भी वातावरण खराब नहीं था, पर और अच्छा वातावरण मिलने का एक मेरे पास मौका था, तो मैंने वो मौका मौके का इस्तेमाल किया और आज मुझे ये लग रहा है कि पहले मैं कई सारे कोर्स बीच बीच में छोड़ देता था, कई सारी जॉब भी तीन 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 महीने में छोड़ देता था, इतना मैं एक जगह पर टिका नहीं रहता था, लिविंग माइंड टाइप का। और ऐसा फिर यहाँ देखा तो 15 साल हो गए यहाँ, एकदम टिके भी रहे, मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी भी किया, कम से कम 3 से 4 डिस्टेंस के कोर्स किए, सोशल वर्क का भी कोर्स किया और भी कोर्स किए, तो उस तरह से सब तरह से एकदम व्यवस्थित सब बैठने लग गया। तो मुझे ये लगता है कि अगर मौका मिलता है किसी इस तरह के किसी वातावरण में जाने का तो परमानेंट मत बदलो, लेकिन कम से कम जहाँ आपको लग रहा है कि दूषित वातावरण में हम रह रहे हैं तो कम से कम सप्ताह में एक आध बार, कम से कम महीने में एक आध बार ऐसी ऐसे वातावरण में जरूर जाओ जिससे आपको पूरे सप्ताह की, पूरे महीने की, पूरे साल की एनर्जी मिलती रहे। यहाँ विदेश से भी लोग आते हैं शांतिकुंज में और 9 दिवस की साधना करते हैं, 1 महीने तक भी रहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे साल की एनर्जी बनी रहेगी, वातावरण हमें 1 महीने अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद हम उस वातावरण में रहने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो वातावरण कई बार बदलना पड़ता है, तो परमानेंट बदलने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात की अगर बदलने का मौका ही ना मिले या कई बार उतना हम साहस ना जुटा पाए जो अपनी अच्छी जॉब छोड़ के हम कहीं अच्छी जगह पर जाएं या उसको छोड़ दें, इस तरह का अगर साहस नहीं जुटा पाते हैं तो क्या करें? तो अपना जो एक पर्सनल वातावरण जो होता है कि जहाँ आप एक कमरे में रह रहे हो या आपका जो एक छोटा सा टेबल भी है उस टेबल में आपने अच्छी चीजें रखी हुई है, पवित्र चीजें रखी हुई है, मंत्र चेंटिंग का मशीन रखा हुआ है, आपके मोबाइल में से अच्छी चीजें बज रही है, तो वो वातावरण आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, उस पर जनरली कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता है। घर के बाहर का वातावरण भले ही हम ना चेंज कर पाए पर एक जो एकदम करीबी वातावरण है अपना, एक तो उसको अगर जरूरत लग रही है तो चेंज करो या उसको बना के रखो, उसकी पवित्रता को बना के रखो। और वातावरण का असर आपको पड़ेगा ही, ये अगर हो सके तो समाज के लिए भी समय निकालो, जहां जहां गंदगी है, जहां गलत चीजें चल रही है, जहां भी संघर्ष की जरूरत पड़ती है वहां विरोध संघर्ष इस तरह से करने का प्रयास करके अपने आसपास के वातावरण को सुधारने का भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते रहो, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ही करेगा। तो ये कहना बहुत आसान होता है कि भाई जो कहते हैं ना कि कमल तो खिल जाता है कहीं भी, तो ऐसा नहीं है, वो बहुत मुश्किल है,
ना, सारे राक्षस थे उसके बीच में प्रहलाद भक्तिमय वातावरण उसने बना के रखा था, लेकिन वो आम आदमी के लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए वातावरण को ठीक करना, परिष्कृत करना बहुत जरूरी है। तो आसपास के वातावरण को भी ठीक करने का हम प्रयास जरूर करें। हाँ सर, मैंने ये कहा कुछ कुछ लोग माला से जप करते हैं और कुछ लोग वैसे ही जप करते हैं, तो बेहतर कौन है और इससे इफेक्ट किस तरह से मिलता है सर? बहुत बहुत बढ़िया। इसी से संबंधित है ना, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो गिनती क्यों कर रहे हैं? माला में 108 मंत्र होते हैं, है ना, या कई बार हम 27 माला करते हैं तो वो भी गिनती हो गई कि 27 माला ही करनी है। तो भगवान को हम गिन गिन के क्यों भक्ति अपनी दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठा था। लेकिन हालांकि आप लोग भी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, पर क्योंकि समय नहीं है तो मैं ही जवाब दे देता हूँ कि क्या होता है कि गिनती हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान को गिन गिन के हम नहीं दे रहे हैं। भगवान जैसे होने के लिए हम अपने ही मन की पवित्रता के लिए, अपने मन को ऊंचा उठाने के लिए, अब सद्बुद्धि जो मांग रहे हैं, तो वो बार 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 हम सद्बुद्धि मांग के अपने ही मन को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें गिनना पड़ता है। कि भाई नहीं गिनेंगे तो तुरंत मन से चला जाएगा, भाई दो चार मंत्र कर लिए फिर चलो अब बंद करो इसको। इससे अच्छा है कि जब एक अच्छा संकल्प किया जाता है कि नहीं मैं कम से कम एक माला पूरी करूंगा, तो इसलिए वो माला का सहारा लिया जाता है कि भाई हाँ 108 मंत्र हो गए, अब हम दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। तो ये टारगेट रखने के लिए, अपने मन को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा आता है, कहते हैं कि फिर आपको माला की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी स्थिति जब ऊंच हो जाए तो आप मन ही मन जप करते रहते हैं, माला की जरूरत नहीं है। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्राथमिक स्थिति में, या हम लोग जिसको कह सकते हैं कि साधारण लोगों के लिए, माला का सपोर्ट लेना जरूरी है शुरुआत में। और वो माला का सपोर्ट मैं आज भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे इससे एक जो मैंने एक संकल्प रखा है कि भाई मेरे मन को पवित्र करने के लिए मैं इतनी माला करूंगा, तो वो माला को मैं गिनता भी हूँ, गिनने में मुझे कोई गलत नहीं लगता है, और उसमें कितना भी समय चला जाए वो समय की मैं चिंता नहीं करता हूँ। कभी 27 माला है वो एक एक डेढ़ घंटे में भी पूरी हो जाती है, कभी थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी बहुत फास्ट भी कर लेते हैं, लेकिन सर एक प्रश्न और हाँ है। जी बोलो। हेलो सर, हाँ सर ये है कि जरूरी है कि हम जिससे दीक्षित हुए हैं वही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? महामंत्र में तो सर बहुत सारे मंत्र आते हैं, जैसे हरे राम हरे कृष्णा वाला, फिर गायत्री मंत्र है, फिर दुर्गा सप्तमी का एक मंत्र आता है वो भी है। तो सर ये सब में व्यवधान उत्पन्न ना हो तो हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए? चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपनी बात बताऊं तो एक क्योंकि आदत ही पड़ी है, और यहाँ आने से पहले ज़्यादा मंत्र मंत्र को हम ज़्यादा यूज ही नहीं करते थे, मंत्र साधना को यूज ही नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पहले से गायत्री मंत्र की आदत पड़ी है। तो गायत्री मंत्र तो मैं जरूर करता हूँ, साथ में क्योंकि हम लोगों का पहले से ही बचपन से शिव भक्ति का रहा है हमारे घर में भी, तो उसके साथ साथ में ओम नमः शिवाय के भी उतने ही मंत्र करता हूँ जितने मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, दोनों इक्वल इक्वल करता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि भाई स्वास्थ्य थोड़ा खराब है तो महामृत्युंजय मंत्र भी करता हूँ। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं किसी, हाँ कभी कभी कुछ राम नाम का जप है या श्री राम जय राम जय राम है, वो मंत्र भी बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने ये भी प्रयास किया है, दिन के अनुसार सोमवार है वो महादेव का वार है, मंगलवार है वो गणपति का वार है, बुधवार है वो कृष्ण का वार है, तो इस तरह से अलग अलग जप भी अलग अलग दिन में भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अलग अलग जप करने से कोई नुकसान है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर मैं नहीं मानता हूँ। सर एज ए स्टूडेंट को कौन सा करना चाहिए? ये गायत्री मंत्र है, सद्बुद्धि का मंत्र है कि सद्बुद्धि आ गई तो बाकी सारी चीजें हम खुद ही कर लेंगे, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। जब स्वास्थ्य खराब हो तो महामृत्युंजय मंत्र सबसे अच्छा है।
बड़े 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 मंत्र नहीं करने हैं अपने को, छोटे छोटे मंत्र करने हैं, तो राम नाम का जप है या ओम नमः शिवाय का जप है, वो भी अच्छा है। तो परिस्थिति के अनुसार आप कोई भी मंत्र करें, मुख्य उसका जो मकसद है वो ये है कि मन का त्राण होना चाहिए, मतलब कि धीरे 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 आपको लगना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ मन में पवित्र विचार आने लग गए हैं। विचार बंद नहीं होंगे तो खराब विचार धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, पवित्र विचार आने लग जाएंगे, तो समझ लो कि वो मंत्र आपके लिए सही है। करके देखो, करके देखने के बाद निर्णय लो कि कौन सा मंत्र करना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि विद्यार्थियों को यही मंत्र करना चाहिए या मंत्र नहीं करना चाहिए, ये सब में मैं नहीं विश्वास करता हूँ। सर एक चीज और है, इसमें बोलते हैं कि अपने जगह को फिक्स करनी चाहिए हाँ, एक आसन में और रहने से समय वही हम, होनी चाहिए, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ, एक तो जगह का तो ये है कि स्थिरता आती है, हमारे शरीर की स्थिरता से मन की स्थिरता में सहायता मिलती है। दूसरा ये है कि उस जगह को हमने अच्छे से पवित्र करके रखा हुआ है, साफ सफाई करके रखा हुआ है, फिर हम दूसरी गंदी जगह पर बैठ जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उस जगह को ही हम फोकस करें, उसी जगह पर बैठने का प्रयास करें। फिर एक जो कहता है कि जिसको साइंटिफिकली तो प्रूव करना मुश्किल है, पर कहते हैं कि जहाँ बैठे हो वहाँ ऊर्जा एक बन जाती है, एक वातावरण ऊर्जित हो जाता है, तो उसी जगह पर बैठा करो ताकि वो जो ऊर्जित वातावरण है वो आपको हील करेगा। इसलिए भी लोग कहते हैं कि एक ही जगह पर बैठना चाहिए। जो भी कारण है, एक ही जगह पर बैठना ज्यादा उपयुक्त होता है। कई बार एक जगह पर बैठने के लिए आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, किसी से कुछ दूसरी बात हो जाएगी, किसी को दुख होगा, तो इससे अच्छा है कि जगह चेंज कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यज्ञ में जाते हैं जनरली एक ही जगह बैठने का प्रयास करते हैं, पर कोई अगर बैठ गया है कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जगह हम चले जाए। तो जगह का महत्व है, पर ऐसा भी नहीं हमें करना चाहिए कि उस जगह के लिए हम लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दें। सर एक आखिरी क्वेश्चन है हाँ कि कुछ लोग ऐसे घर में ही है या फिर कुछ लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग कि मंगलवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, ये इस पर थोड़ा सा कुछ बताएंगे सर? कंफ्यूजन भी है। हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अपनी बात बताऊं, जो जनरली मैं हर फ्राइडे को नाखून काटता हूँ, शेविंग तो मैं रोज करता हूँ, इसमें मैं नहीं मानता कि कुछ करने से, रोज करने से कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो लेकिन फ्राइडे को नाखून वगैरह काट लेता हूँ। तो अब वो मैंने एक जगह गीता प्रेस में पढ़ा था, गीता प्रेस की किताब में, कि भाई शुक्रवार को करना अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो नाखून वगैरह का मैंने ये रखा हुआ है कि अगर नहीं बड़े हैं, अगर मेल है गंती है, तब तो कभी भी काट लेना चाहिए, कोई भी दिन हो, लेकिन हर शुक्रवार को नियमित रूप से चेक करने का एक नियम बना लिया है, ताकि अगर कुछ लॉजिक है, अभी तो मुझे पता नहीं है क्या साइंस है क्या लॉजिक है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जिसमें हो सकता है हमें ना पता हो, तो अगर उसका फॉलो करने में नुकसान नहीं है, किसी को हम दुखी नहीं कर रहे हैं, अपना मानवता का मुख्य धर्म है उसको हम निभा रहे हैं, निभाते हुए कर सकते हैं, तो फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये श्राद्ध तर्पण करते हैं वो भी मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि कैसे कहाँ पहुंचता होगा, क्योंकि आदमी तो तुरंत जन्म ले लेता है, तो फिर वो पितर के रूप में कहाँ होंगे, पितर लोग कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं है, फिर भी हम श्राद्ध देते हैं कि हो सकता है, ये श्राद्ध तर्पण करते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, मॉडर्न साइंस उसको नहीं समझ पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होगा। तो फॉलो अगर कर सकते हैं तो करो, शुक्रवार को ही नाखून काटने का या इस तरह का नियम बना लो, पर अगर गंदे हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से वो नुकसान करते हैं, तो उसमें दिन देखने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा भी कहा गया है कि धर्म जो अलग अलग युग में होता है, तो कलयुग के अनुसार जो ये शास्त्र में जो भी लिखी गई है वो बहुत ही कठिन है, सब कुछ चीजें फॉलो करना, उसका महत्व भी आज लोगों को अब समझ में नहीं आता है, तो कुछ चीजें आउटडेटेड जैसे कहते हैं ना, जिस तरह से हमें नहीं समझ में आ रही है, इसलिए इसको आउटडेटेड समझते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम नहीं भी इसको फॉलो करते हैं तो उतना पाप नहीं लगेगा जितना पहले के युग में लगता था। तो कलयुग में थोड़े से नियम कानून को थोड़े रिलैक्स कर दिए गए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, विवेक का इस्तेमाल करो,
अगर आपको लगता है कि इसको फॉलो करने में कहीं कोई नुकसान नहीं है तो फॉलो करो, अगर लगता है कि नहीं नुकसान है तो फॉलो मत करो। सर मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूं, सर जो माना जाता है समाज में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब है ना मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तब तक आप बोल तो सकते ही हो, क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, पर एक 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 व्यक्ति को करना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ सर, एक प्रश्न था। हाँ ब्रजेश पहले तुम प्रश्न करो। हाँ सर, ये ध्यान और जप करते समय लोग कहते हैं कि खाली जमीन पे, मतलब कि बिना आसन लगाए नहीं करना चाहिए, मतलब आसन होना ही चाहिए, इसका क्या साइड इफेक्ट है सर जप या और ध्यान पे? एक तो ये कहा जाता है, मैं भी रखता हूँ किसी आसन, बिना आसन को नहीं बैठता हूँ, और सिंपल केवल जप करने में, जहां तक हो सके मैं जमीन में भी कहीं बैठता हूँ, तो खाना खाने भी बैठता हूँ, तो आसन रखने का प्रयास करता हूँ। तो एक तो ये कहा जाता है कि एनर्जी जो हमारी है ना वो अर्थ हो जाती है, एनर्जी है वो जो शरीर में बनी रहनी चाहिए, ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, जो आपने साधना की है उसकी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, वो आपके जमीन के थ्रू आपको अर्थ में चली जाएगी, पृथ्वी के अंदरून सतह में चली जाएगी, ऐसा कहा जाता है। साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि हाँ आसन रखने से मुझे एक, चाहे उसको मानसिक भी कहो साइकोलॉजिकल भी कहो, लेकिन लगता है कि हाँ इससे मेरी ऊर्जा बनी रही है, तो इससे मुझे साइकोलॉजिकली फायदा हो रहा है, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। तो आपको अगर बैठता है मगर दिमाग में तो उसको फॉलो करना चाहिए। सर ये तो साइंटिफिक लगभग तो प्रूफ हो ही चुका है सर, कि अगर हमारे अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी और स्पार्किंग होता है सर, जब हमारे बॉडी में टच होता है और हमारे फिट में अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी से होके जाता है। और अगर हम कुछ नीचे अगर चप्पल चाहे जूता चाहे कुछ भी पहने तो क्या होता है, हमारा एनर्जी फ्लो नहीं करता है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर आता नहीं है। उसी तरह क्या होता है, जितने भी सर हमारे पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में जब आते हैं, तो अगर हमारे आसन अगर नीचे नहीं तो क्या होगा, हमारे जितने भी पॉजिटिव एनर्जी और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव है सर, तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो फिर हमारे आसन और प्राणायाम प्रत्याहार करने से कोई फायदा नहीं होता। आई थिंक यही सर। नहीं बहुत अच्छा दिखाया गया। और सर सर और एक और बात, वो गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने भी लिखा है कि हमें अपने हाथों से सब कर्म करना चाहिए और प्रत्येक दिन करना चाहिए, चाहे वो शनि हो, रवि हो, मंगल हो, बुध हो, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ किसी के द्वारा अगर हम करवाते हैं कोई भी काम तो ये दिन हमको देख के चलना चाहिए, लेकिन अगर अपने हाथ से करते हैं तो वो करना चाहिए, ये गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखे हुए सर। नहीं गुरुदेव ने तो ये भी लिखे हुए हैं कि अच्छे काम के लिए, अच्छे कर्मों के लिए सभी समय और सभी दिन अच्छे ही हैं, और बुरे काम के लिए, बुरे कर्म के लिए सब दिन खराब है, चाहे वो कितना हो अच्छा समय क्यों ना हो, क्यों ना बढ़िया चाहे बढ़िया मुहूर्त हो, लेकिन खराब ही है। अच्छा एक मिनट में ये पूछना चाहता हूँ, ये स्टार साइन जो लिखा है क्या नाम है भाई, अटेंडेंस में ले रहा हूँ सर रितिका। तो स्टार साइन क्यों लिखते हो सर? वो आईडी है। हाँ तो आईडी चेंज करो ना, कोई बात नहीं, चलो लगभग लगभग हो गया है अटेंडेंस। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर हाँ सर, मेरी अटेंडेंस छूट गई सर, ज्वाइन नहीं हो पाई, नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा सा। नहीं तो अभी में जो है जिन लोग ऑनलाइन है उन्हीं का 41 मतलब ये 39 लोग होंगे। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी सर। एक मिनट सर, सर मेरी भी छूट गई। हाँ किरण, किरण मैं अटेंडेंस ली ही नहीं है अभी, जो लोग ऑनलाइन हैं उनको देखते हुए मैंने आपको कहा, किसी को यस बोलने का, प्रेजेंट बोलने का पूछा है, मैं देख ही रहा हूँ जब तक क्वेश्चन चल रहे थे, मैंने सबके नाम लिख दिए क्योंकि आज वो अटेंडेंस का मेरे पास है नहीं, तो सबके नाम अभी जो यहाँ मुझे दिख रहे हैं लोग उन्हीं के नाम लिखे हैं, है ना? सर मेरा ब्रजेश कुमार करके हो, मेरा दिव्य प्रकाश है सर। हाँ तो जिन्होंने गलत नाम लिखा है या गलत आईडी यूज की है वो बता दो। हाँ ब्रजेश के बदले क्या लिखना है? दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश ठीक है। ऐसे और सर, कोई है? सर हाँ अंकित कुमार से है जो कुमारी नेहा है। ठीक है और कोई?
और सर एक विवेक कुमार अब से वो लेफ्ट हो गए उस वक्त लिखे गए, अर्जेंट वर्क था उनको 10 मिनट पहले लिखे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, टाइम हो ही गया था, ये अच्छा बता दिया। विवेक कुमार ना? हाँ सर जी सर। हाँ मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। वसुंधरा, वसुंधरा का तो आ गया, हो गया भाई, जिन्होंने चेक में लिखा है तो वो तो अभी जो है उन लोगों का सबका कर दिया, और जो लेफ्ट हो चुके हैं वो तो फिर उनको स्क्रीन शॉट भेजना पड़ेगा है? क्या दिक्कत आ रही है वो, एक विवेक का बताया तो वो मैंने कर दिया। शांति पाठ करें, आज से नवरात्र चालू हो रही है, कोशिश करिए थोड़ा सा एक जब कर, एक माला करते हैं वो तीन करें, तीन करते हैं पांच करें, जितना हो सके अच्छे से मंत्र जप करें। शांति पाठ। हाँ अमर कुछ कह रहे थे क्या? जी सर, आज का जो क्लास है ना सर, आपका आवाज हम तक गूंजता हुआ आ रहा है सर, ये निवेदन। सबको आ रहा है गूंजता? नहीं सर। हाँ तो वो आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा है ना, कई बार ऐसा होता है अपने नेटवर्क में इश्यू होता है ना तो हमें ठीक से नहीं सुनाई देता है। इसका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड किया हुआ है पूरा क्लास क्वेश्चन आंसर के साथ, और उसको गूगल क्लासरूम में उसकी लिंक को हम अपलोड कर देंगे, इसलिए आप बाद में भी सुन सकते हो, चिंता ना करें। शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति सर्वार शांति भवतु। जो लोग खाना चाहते हैं लेफ्ट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो जी प्रणाम।